गुलरिया थाने की पुलिस ने ऑटो रिक्शा लूटने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ गोरखनाथ योगेंद्र सिंह ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान गोविंद निषाद पुत्र राजेश निषाद निवासी ग्राम कजरहटे थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर, दूसरा विपिन प्रजापति पुत्र भरत राज प्रजापति ग्राम कजरहटे थाना गुलरिया, तीसरा सहबूद अली पुत्र हमीद अली निवासी गढ़िया मंगलपुर थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से लूट की ऑटो व एक मोबाइल को बरामद किया गया है। सीओ गोरखनाथ ने बताया कि थाने में लूट का मुकदमा पंजीकृत था, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलरिया थाना प्रभारी शशिभूषण राय, मेडिकल कॉलेज चौकी प्रभारी अवनीश कुमार पांडे, उप निरीक्षक संदीप कुमार चौधरी, हेड कांस्टेबल सुदर्शन राय, कांस्टेबल राजू यादव, विपिन कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ गोरखनाथ योगेंद्र सिंह ने कहा, ये थाना गुलरिया पे 24 तारीख को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें जिस व्यक्ति ने तहरीर दी थी उन्होंने बताया कि उनका एक ऑटो था, जो कि एक व्यक्ति ने फोन करके उन्हें बुलाया। बुलाने के बाद में ऑटो पे सवार हुआ, उसके साथ में दो तीन लोग और थे। ये लोग एक जगह पे पहले बैठ के उन्होंने शराब पी, शराब पीने के बाद में एक जगह ले जाकर इसको ऑटो छीन लिया इससे, और इसका मोबाइल जो इसके पास था वो भी इससे ले लिया। इस संबंध में थाना गुलरिया पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुकदमा पंजीकरण के बाद में सर्विलांस और लोकल मुखबिर के माध्यम से इनको ट्रेस किया गया। ट्रेस करने के बाद में आज सुबह इनकी गिरफ्तारी हुई है। क्या करते थे, क्या बैकग्राउंड क्या है? इसमें सभी लड़के, जो चार लड़के पकड़े गए हैं, ये सभी 20 और 21 वर्ष के हैं। इनके द्वारा कोई भी ऐसा व्यवसाय या कुछ नहीं किया जाता है। छोटी छोटी, क्योंकि जो इसका मुख्य आरोपी है आशीष निषाद, इसका पूर्व भी आपराधिक इतिहास पूर्व में रहा है। इसके द्वारा लूट और चोरी की घटनाएं कारित की गई हैं। इसके ऊपर थाना गुलेरिया से गैंगस्टर भी है, और इनके ये लोग शाम को मोबाइल स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग, ऑटो छीनना, इस तरीके काम करते थे। इससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ऑटो इस बार छीनने का इसका एक उद्देश्य और भी था, क्योंकि पहले ऑटो चलाता था, लेकिन चूंकि वो किस्त पे था, लोन लिया हुआ था, तो किस्त उसकी नहीं भर पाया तो वो ऑटो खींच गया। तो इसने ये सोचा कि अपना जो पुराना ऑटो जो खींच गया था उसी का नंबर लगा के इस ऑटो को ये चलाएगा, जिससे कि इसकी अर्निंग भी हो सके।